विद्यालय के पास बहुत से रिसोर्स तो नहीं है, लेकिन कम से कम में हम लोग अपने बच्चों को क्या ज्यादा सिखा सकते हैं इन चीजों पे विशेष ध्यान उसमें मैम हम कुछ करते हैं हाँ, बच्चों आप के साथ। केमिस्ट्री की है ना? जी हाँ, जी जैसे एटमी का स्ट्रक्चर पढ़ाना होता है तो वो सब्जेक्ट थोड़ा क्लिष्ट है, बच्चों का कंसेप्ट नहीं बन पाता है, तो हमें और केमिस्ट्री में जब पढ़ाना रहता है एटमिक स्ट्रक्चर तो हम उसे क्या कहते हैं, दो तीन जैसे चूड़ी है घर में माँ का डिफरेंट साइज का होता है वो, उसको बताते हैं कि ये ऑर्बिट है और उसमें मन का डाल देते हैं, मोती डाल देते हैं और उसको डिफरेंट मोती को डाल देते हैं, कई शेप का चूड़ी दो दो सवा दो छः ऐसे करके उसको सजा देते हैं और उसमें एक कोई बीड्स को ला करके डाल देते हैं और उसको ये कंसेप्ट देते हैं कि ये न्यूक्लियस है। फिर उसके बगल वाला जो है चूड़ी जो थोड़ा टूटा हुआ मुंह वाला रहता है उसमें एक डाल देते हैं, फिर उसको बताते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे प्रोटॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर जी हाँ। तो इस तरह से इसमें कहीं से कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन आप अपने दिमाग से एक नई चीज लाके बच्चों को जी आसानी से समझा रहे। बहुत अच्छे समझ मैडम। मैं भी मैम आप होम साइंस में कुछ बताएं। हाँ मैडम, अभी मैडम दशहरा आने वाला है और हमारे जो होम साइंस के बच्चे हैं उनके कोर्स में है डॉल मेकिंग है, फ्लावर मेकिंग है, तो हर साल तो बनाते हैं लेकिन इस बार मैं उनको बता रही हूँ कि डॉल मेकिंग मोजे जो रहते हैं हम जो पहनते हैं मोजे उसके धागे से, हमारे पास पुराने मोजे हैं तो उसका एक धागा निकालो पूरा मोजा फिर खुलते जाता है और एक उससे सुंदर सी डॉल बनती है, बहुत सुंदर दिखता है, बच्चों ने बनाया है, मैं आपको ला करके दिखाऊंगी। तो और उसी तरह से फ्लावर बनाए हुए हैं वो भी मैं स्पंज से सिखाई हूँ, क्रेप पेपर से सिखाई हूँ, जो सस्ते सस्ते हैं उनसे, यानी महंगे आइटम नहीं है, वो भी आप अपने घर में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी योजना ये है कि दशहरा के समय स्टॉल लगते हैं तो एक स्टॉल एजुकेशन का भी होता है, एग्जीबिशन बना करते हैं हाँ। उसमें आप इस तरह से मटेरियल बनवाइए बच्चों से और हम लोग उसको कर सकते हैं और हेल्प कर देंगे हाँ, 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 नहीं सलाह जो है जैसे मैं, पिछले बार इन्होंने खाने का भी कुछ आर्टिकल रखा था, झांझी भुजिया बहुत शानदार बना नहीं करूंगी सर करूंगी, इसमें क्या है हम स्कूल में तो आनंद मेला में करेंगे उसको, लेकिन जब वहाँ एग्जीबिशन में करेंगे तो पूरा जो विभिन्न जगहों से आएंगे तो वो सब देखेंगे और उसको हम सेल भी करेंगे, तो वो जो सेल करेंगे उसका जो कुछ जो हिस्सा है हम बच्चों को भी देंगे और 3/4 हिस्सा है हम लोग एक फंड इस तरीके से हाँ जी। तो आप लोगों के बीच से हमेशा बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, थैंक यू। इंग्लिश तो हूँ जैसे भी आपको मालूम है, अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं उनके दिमाग में बात आई कि सभी डॉल बहुत सारे स्कूल में गया आपने भेजा था मॉनिटरिंग के लिए, तो वहाँ पर टेक्स्ट बुक को लेकर के पोएम जैसे है तो टेक्स्ट बुक को देख करके पढ़ाते हैं, तो मैंने एक दिन सोचा ठाकुर सर के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये देख करके पढ़ाने में हमारा अटेंशन वहाँ स्टूडेंट पर नहीं रहता, बुक पर ज्यादा हो जाता है लेसन पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि और मैं आज से मैंने शुरू भी कर दिया उसको कि बिना देख हम पोयम को रिसाइट करें, हमको ये पोयम जो है हमको याद होना चाहिए, अब उस समय जब हम पूरे बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके पढ़ाते हैं, उदाहरण के लिए मैं वर्ड्सवर्थ की वो पोयम पढ़ूंगा कि आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, fluttering and dancing in the breeze. तो ये जो हम बिना देख करके बोलते हैं तो अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर पाते हैं। आपने शुरू में कहा मैडम कि कम से बताऊंगा मैडम, जनरली 11-12 में क्लास लेता हूँ मैडम, तो जनरली टीचर सेंटर ही होता है, लेक्चर मेथड ही होता है, तो मैंने थोड़ा ये मेथोडोलॉजी थोड़ा शिफ्ट किया है चाइल्ड सेंटर पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया रिसेंटली 12 क्लास को मैडम, तो इंटायर मेरे क्लास में 43 बच्चे हैं, तो इंटायर क्लास को मैंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो रिवॉर्ड ऑफ मैं 1857 था मेरा टॉपिक, तो मैंने क्या किया हर ग्रुप को कॉजेज पे मेरा फोकस था, हर ग्रुप को मैंने असाइनमेंट दिया कि पहला ग्रुप पॉलिटिकल कॉजेज बताएंगे, सेकंड ग्रुप सोशल कॉजेज, थर्ड ग्रुप मिलिट्री कॉजेज, फिफ्थ ग्रुप
इमीडिएट कॉजेज, इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना। ओके, और ये केमिस्ट्री की हमारी उषा जी, इन लोगों का तो काम मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, और अभी आपको पता है कि मैं न्यू पास आ रही हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि किस प्रकार से टीचिंग का मेथड में कितना नया नया तरीके का खोज हुआ है और कितना इनोवेटिव मेथोलॉजी हम लोगों के पास आए हैं। तो उसी में टेस्ट इंडिया के का बहुत सारा कैसेट, बहुत सारा प्रोग्राम है जो आप अपने स्कूल में भी हम लोग इसको देखेंगे, और कम साधन में कैसे हम लोग इसको करें, एक वीडियो हम लोग इसका। माध्यमिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका पदार्थ की अवस्थाओं के पाठ पर कुछ प्रयोग प्रदर्शन की योजना के बारे में बता रही है। प्रयोग प्रदर्शन की एक कोशिश पहले से कर लेना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए कौन से सवाल पूछे जाएं? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सारे विद्यार्थी प्रयोग प्रदर्शन को देख पाएं और वे सुरक्षापूर्ण हो। हम बच्चों को स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे थे, इसके लिए हम वाष्पन और इससे पहले द्रवण, कंडेंसेशन और उपवादन, ये चार चीजें मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें प्लानिंग की ही जरूरत है। प्लानिंग अगर हम उस समय करेंगे तो ये जो टाइम लगेगा इससे हमारी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, बच्चों की उत्सुकता भी बनी रहे। पहले से तैयारी करना इसीलिए ज़्यादा जरूरी है। पहला हमारा स्टेप होगा ठोस से द्रव में बदलना। गर्म करने के लिए मैंने स्प्रिट लैम्प रखा हुआ है, कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, इसलिए हम किसी कोने में रखेंगे और इसे ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। मैंने सोचा था एक के बदले दो एग्जाम्पल ले लूँगी, तो बर्फ से पानी और फिर गर्म पानी से भाप तो याद था, लास्ट मोमेंट पर मुझे मूंग दिखी तो याद आया कि हाँ मूंग वाली चीज़ भी कर सकती। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का अकाउंट रखना ये टीचर के लेवल पे काफी बड़ा टास्क है। एक अच्छा प्रयोग प्रदर्शन और सोच समझ कर बनाए गए सवाल विद्यार्थियों की सोच को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बदलता है बाष्प में जरा देखते हैं। इस ग्लास में देखो कुछ कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें दिख रही है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे भी देख लो, ये जो जिसमें हमने बर्फ रखी थी इसमें बाहर की तरफ छूके देखो पानी की खूब सारी बूंदे है ना, छूके देखो है पानी की बूंदे दिख रही, छूके देखो गीला है पूरा। तो आप ये बताओ कि ये आया कहाँ से, आप बताओ। वायुमंडल में वाष्पन था जब हमने ग्लास में बर्फ डाली तो ठंडा हो गया, इससे पानी आने लगा। पाठ के अंतिम भाग में शिक्षिका उर्ध्वपातन की अवधारणा का परिचय कराती है। ध्यान दीजिए कि कमरा अच्छा हवादार है और कैसे वह कमरे में चारों ओर ये सुनिश्चित करने के लिए घूमती है कि सभी प्रयोग देख सकें। मैंने ये अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, मुझे ये तो मेरी लैब से नहीं लिया, लेकिन अगर इसको लेना हो जहाँ वेंडिंग सकते हैं।
टीचर्स को तो उसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम मैं ये बच्चों को करवाती हूँ, मैं जानती हूँ, बोलती हूँ बच्चों को कि तुम स्टाफ रूम में बर्थ ले आओ, उसको रखो एक प्लेट में, एक डिस्क में, देखो बताओ तुम क्या हो रहा है। ठीक है, साइंस वाले लोग उर्दू पातन भी आप बहुत तरीके से बना सकती हैं, बहुत सी चीजें हैं जी। हाँ, इसके अलावा और कुछ बताइए दीपा जी। क्या क्या होता है उर्दू पातन? क्या होता है उर्दू पातन? होता है जैसे बर्फ को हमने उर्दू पातन, उर्दू पातन नहीं, उसका होता है जो पदार्थ सीधे सॉलिड से वेपर स्टेट में आता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको कहते हैं सब्लिमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेट। मतलब ऐसे प्रोसेस को कहते हैं उर्दू पातन। कपड़ों में कपूर रखते हैं हाँ, मैं सोचती भी मैडम कभी कभी कहाँ चला जाता है ऐसा। तो ये सब साधारण सी चीजें हैं जो कि हम लोग बिना पैसे के ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। मैं मिलेगी, मैं स्प्रे रूम में मैं स्प्रे कर दी और आगे वाले बच्चों से पूछी, बच्चों तुम बताओ किसको ज्यादा मतलब इसकी सुगंध आ रही है? तो पीछे वाले बच्चों ने कहा मुझे नहीं आ रही। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कहा कि मेरे पास भी सुगंध आ रही है। तो मैंने पूछा ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, क्यों तुम ये तुम्हारा तुम्हारे पास ये सुगंध पहुंची? तो उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस जो है विसरण। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बैलून लिया, उसमें भी कुछ भरा, मतलब गैस भरा, जैसे हम लोग हर विषय का आता है सबसे अच्छा। और अगरबत्ती मैम, हम लोग तो बच्चों को ये भी बताते हैं कि अगरबत्ती तो वो तो बहुत ये नहीं रहता, उसे भी बताते हैं। लोग तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, दूसरे विषय में भी लोग बताएं कि कैसे आप बता पाएंगे बेहतर। मैं बताऊं मैडम अपने होम साइंस का, जैसे पहले केक बनाने के लिए हमारे पास जो था वो एक बड़ा सा ऐसा डिब्बा वाला ओवन था, पहले कुकर में आप लोग बनाती थी? हाँ, उससे पहले कुकर में बनाते थे, है ना, बहुत जब हम लोग छोटे छोटे थे तब देखते थे। सर भी कुछ बोलने के लिए बेचैन है उस समय से। और उसके बाद फिर आ गया हमारा ओटीजी आ गया, उसमें बनाने लगे केक को ही। फिर अभी आ गया है माइक्रोवेव आ गया है ना, और क्योंकि अपना केक के लिए जो मटेरियल डालती है उसको ज्यादा स्पंजी बनाने के लिए कुछ डाला जाता है उसमें ना। हाँ, उसमें तो ये बेकिंग पाउडर उस चीज भी मिल सकता है। उसके लिए तो फेंटने का मेथड है मैडम, आप उसको एक डायरेक्शन में आप फेंटिए। खमीर जो हम लोग डालते हैं क्या खमीर और किसी चीजों में मिलता? हाँ, खमीर आप से हम लोग खमीर कर सके आके मिलता है, इष्ट आता है बाजार में। ये सारी चीजें हैं जो कि बड़े आराम से उपलब्ध हो जाते और पैसा बहुत नहीं लगता है, उससे हम लोग बना सकते हैं चीजें। और बच्चों खमीरीकरण के लिए हम दही का भी उपयोग करते हैं मैडम, है ना, तो उससे सस्ते में हो जाता है। मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं,